कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कौन है, इनके बारे में आज थोड़ा जानकारी जरूरी है। तो हम आपको बताएं कि यह 3 बार के विधायक रह चुके हैं और इनके ऊपर एक सबसे बड़ा आरोप मीटू का लगा था। एक महिला अधिकारी ने इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यही इनके लिए एक बहुत बड़ा दाग है जो विपक्ष आज इन पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इनके बारे में डिटेल से आप जान लें कि इन्होंने एक पार्षद से अपने जीवन की शुरुआत की थी। खरर नगर परिषद में पार्षद बनकर इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और उसके बाद फिर कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नगर परिषद में ये 2 बार अध्यक्ष बने और उसके बाद इनका मन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हुआ, तो इन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी के तरफ गए थे। इन्होंने चमकौर विधानसभा सीट से टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी के पास गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय इन्हें टिकट नहीं दिया था, तो ये निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव जीतकर ये विधायक बने और उसके बाद कुछ समय के लिए ये अकाली दल में चले गए। लेकिन फिर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस से 3 बार ये विधायक चुने गए। कुछ दिन के लिए इन्हें विपक्ष का नेता भी बनाया गया। 2015 से 16 का कार्यकाल इनका विपक्ष के नेता के तौर पर रहा। ये कैप्टन सरकार में मंत्री भी रहे। इन्हें तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक मंत्री बनाया गया था और ये पंजाब के बनने वाले पहले दलित मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि 1966 के बाद आज तक एक भी दलित मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं मिला, तो पंजाब का दलित मुख्यमंत्री बनने वाला ये पहला शख्स है। दरअसल इनको मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने एक तीर से 2 शिकार किया है। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाकर सिख चेहरा के रूप में भी ला दिया और एक बड़ी काम कांग्रेस पार्टी ने यह किया कि इनको चेहरा बनाकर एक दलित चेहरा भी प्रोजेक्ट कर दिया है।